This is the day the Lord has made. Let's rejoice and be glad in it. और ये वो दिन है जो यहोवा ने बनाया है और होने दे हम इसमें आनंदित हो जाएं. Seek the kingdom of God first and His righteousness. पहले तो आप परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करें. So it is good for you and for me to give a few minutes silence to listen to the voice of God. और इसलिए ये आपके और मेरे हम सब के लिए अच्छा होगा कि कुछ मिनट शांत होकर कुछ क्षण हम परमेश्वर के वचन और वाणी से सुनें. We have been studying the book of First Thessalonians. और हम पहला थिस्सलुनीकियों के जो पत्री है उस पर अपने इस इन मनों को रखे हुए हैं. Chapter 1. पहला अध्याय. And today we shall complete the study. और आज की सुबह हम अपने इस मनन के अध्ययन को समाप्त करेंगे. So let us look into verses 9 and 10. और इसलिए आइए पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री उसका पहला अध्याय 9वें और 10वें वचन की ओर हम बढ़ें. And for they themselves report concerning us the kind of reception we had among you and how you turned to God from idols to serve the living and true God and to wait for his son from heaven whom he raised from the dead Jesus who delivers us from the wrath to come. क्योंकि वे आप ही हमारे विषय में बताते हैं कि तुम्हारे पास हमारा आना कैसा हुआ और तुम कैसे मूर्तों से परमेश्वर की ओर फिरे ताकि जीविते और सच्चे परमेश्वर की सेवा करो और उसके पुत्र के स्वर्ग से आने की बात जोते रहो जिसने उन्हें मेरे हुओं में मरे हुओं में से जिलाया अर्थात यीशु की जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है. इन दीज टू वर्सेस वी हैव एन अकाउंट ऑफ अ क्रिश्चियन salvation aur in do vachnon mein hum masihi udhar ki baaton ko paate hain christian conversion aur kaise masihi hriday parivartan hota hai. The report that was spreading about the Thessalonians faith and conversion etc has several parts aur wo jankari jo Thessalonians ke vishwasiyon ke vishay mein phailti chali ja rahi thi uske kai sare bhag the. They were told how the apostle Paul had entered the city. और वो बताते थे कि किस रीति से पौलुस प्रेरित थिस्सलुनीका के नगर में आया. And he entered the city with his companions and established a church. और कैसे पौलुस प्रेरित अपने सहभागियों के संग आकर उस नगर में उसने कलीसिया की स्थापना को किया. And also tells us the account of how the Thessalonians turned to God from idols. और ये वचन की ये दो वचन इस विषय में भी बताते हैं कि कैसे थिस्सलुनीकियों के लोग उन मूर्तियों से मुड़कर एक सच्चे परमेश्वर की ओर विश्वास में बढ़ गए. How the Thessalonians turned to God from idols. कि कैसे थिस्सलुनीकियों के विश्वासी उन मूर्तियों से मुंह फेर कर परमेश्वर की ओर आ गए. They found God whom Paul and his companions preached was real. और उन्होंने उस परमेश्वर को पाया जिसको पौलुस उस परमेश्वर को सत्य पाया जिसका प्रचार पौलुस और उसके सहभागियों ने उनके बीच में किया. That God is real and true and they came to know this God and loved him. और उन विश्वासियों ने इस बात को जाना कि वो परमेश्वर सच्चा है वो सत्य है और वो इस परमेश्वर के प्रेम में डूबते चले गए. And once love took root और जब प्रेम ने उनके जीवनों में जड़ को पकड़ा they did not find it difficult to serve him and wait for his son Jesus to come from heaven. तब इस बात को उन्होंने चुनौती पूर्वक नहीं माना कि वो जाएं और इस परमेश्वर की सेवा करें. Now central to their faith was the fact that God raised Jesus from the dead. और उनके विश्वास का मुख्य बात ये था कि किस प्रकार से परमेश्वर ने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया. And his resurrection guarantees the resurrection of the believers. और कैसे विश्वास प्रभु यीशु मसीह का तीसरे दिन जी उठना और पुनरुत्थान होना उन विश्वासियों के लिए भी इस बात का दावा और भरोसा है कि उन विश्वासियों का भी पुनरुत्थान होगा. And therefore, और इसलिए क्रिश्चियन कन्वर्शन इन्वॉल्व्स अ फ्यू थिंग्स. मसीही परिवर्तन
में कुछ बातें जुड़ी हुई हैं। It has nothing to do with religion. और याद रखिए, मसीही परिवर्तन धर्म परिवर्तन के विषय में नहीं है। It is not a change of religion from one religion to another. और ये इस बात में नहीं है कि आप एक धर्म से निकलकर ईसाईयत में आ जाते हैं, ये इस विषय में नहीं है। Number one. पहला बात जो इसमें जुड़ा है, it involves a decisive break with idols. इस मसीही प्रक्रिया या मसीही हृदय परिवर्तन में जो पहला भाग, पहली बात है, वो ये है कि एक निश्चित पूर्वक एक निर्णय आप लेते हैं कि आप मूर्तियों से मुंह फेर लेंगे। Secondly, दूसरी बात, it leads up that person to an active service of God. वो इस व्यक्ति की जो मूर्तियों से मुंह फेर कर परमेश्वर की ओर आता है, वो एक निरंतर परमेश्वर की सेवा में लग जाता है। Such a faith gave them a patient waiting for Christ to come and receive them into heaven. और ऐसे विश्वास ने उनकी सहायता करी कि प्रभु यीशु मसीह का वो इंतजार करे बड़े धैर्य के साथ कि यीशु आएगा और उन्हें स्वर्ग ले जाएगा। So in one sentence, और इसलिए एक वाक्य में Paul is saying, पौलुस ये कहता है, you turn to serve and to wait. कि तुम मुड़े, कि तुम सेवा करने पाओ और धीरज के संग इंतजार करने you पाओ। turn to God, और तुम परमेश्वर की ओर फिरे। And because of his, your love for him, you serve him, और उसकी उस परमेश्वर के प्रेम के खातिर ही तुम उसकी सेवा करते because हैं। He has given you a living hope for eternity. क्योंकि उस परमेश्वर ने तुम्हें एक जीवित आशा दी है उस अनंत जीवन की। So you wait for him to come. और इसलिए तुम उसका इंतजार करते हो उसके आने का। You turn to God from idol. और तुम उन मूर्तियों से परमेश्वर की ओर फिर गए। And you turn to the living God. और तुम उस जीवित परमेश्वर की ओर आ गए। And a true God. और उस सत्य परमेश्वर की ओर। Because you saw. क्योंकि तुमने देखा। That idols are dead. क्योंकि मूर्तियां तो मरी हुई हैं। God is living. लेकिन परमेश्वर जीवित है। Idols are false. और ये मूर्तियां तो झूठी हैं। God is true. लेकिन परमेश्वर सत्य है। Idols are many. और जो ये मूर्तियां हैं तो कई सारी हैं। God is one. लेकिन ईश्वर एक है। Idols are visible, और ये मूर्तियां तो दिखती हैं। And God is invisible, लेकिन परमेश्वर अदृश्य है। And idols are tangible, और ये मूर्तियां तो छू जा, आप मूर्तियों को तो छुआ जा सकता है। God is intangible, कि जे, और लेकिन परमेश्वर को देखा और छुआ नहीं जा सकता। Beyond the reach of sight and touch, और वो मानवीय देखने और छूने से कहीं आगे है। And the idols are the works of man's hand. और ये मूर्तियां तो मनुष्य के हाथों का कार्य है। God is the creator of the universe. लेकिन परमेश्वर तो इस पूरे ब्रह्मांड का सृष्टि करता है। He is also the creator of all humankind. और वो पूरी मानवता को बनाने वाला परमेश्वर है। And they turned away from dead false gods to the one true living God. और इसलिए ये थिस्सलुनीकियों के विश्वासी उन मरे हुए मूर्तियों से मुंह फेर कर उस सत्य और जीवित परमेश्वर की ओर आ गए। And the second thing is, और जो दूसरी बात है, they did it all to serve, it made them to serve the true living God. और इस बात ने उनको, इस बात को उन्होंने इसलिए किया ताकि वे इस जीवित परमेश्वर की सेवा करने पाएं। The claim to have turned to God from idols. और वो दावा कि वो उन मूर्तियों से पलट कर उस जीवित परमेश्वर की ओर आ गए हैं। To true God and a living God will be bogus if it does not result in serving the one to whom we have turned. तब ये विचार तो बिल्कुल झूठा ठहरा दिया जाता अगर ये विश्वासी सच में उस परमेश्वर की सेवा ना कर रहे होते। And wait for his son from heaven. और उसके पुत्र का इंतजार कर नहीं रहे होते जो कि स्वर्ग से आ रहा है। Notice, serving and waiting. और देखिए, सेवा करना और इंतजार करना go together. वो दोनों एक साथ चलती हैं। In the experience of converted people. और ऐसे लोगों के अनुभव में जिनका हृदय परिवर्तन हुआ है। The church which receives the gospel must pass it on. और वो कलीसिया जिसे सुसमाचार मिला है, उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो उस सुसमाचार को आगे पढ़ाए। The church which believes the gospel must live it.
और वो कलीसिया जो सुसमाचार पर विश्वास करती है उस कलीसिया को सुसमाचार के अनुसार जीना भी है. दिस इज द इंपॉर्टेंट मैसेज. और यही वो मुख्य संदेश है. मे द होली स्पिरिट कम एंड फिल यू एंड बैप्टाइज्ड यू एंड गिव्स यू द पावर. और होने दे पवित्र आत्मा आए और आपको परिपूर्ण कर दे, आपको भर दे और आपको वो सामर्थ्य दे कि आप ऐसा करने पाए. टू बी अ लिविंग विटनेस फॉर जीसस. दिस इज द मीनिंग ऑफ बिकमिंग अ विटनेस फॉर जीसस. कि आप प्रभु यीशु मसीह के एक जीवित गवाह बन जाए और यही मतलब है प्रभु यीशु मसीह का एक जीवित गवाह होने का. He has not only given us a wonderful life to live here in this world. और ना केवल परमेश्वर ने हमें एक अद्भुत जीवन दिया है संसार में जीने के लिए. He has also given us a great promise of a future. लेकिन उसने उस भविष्य के अनंत के समय के लिए भी एक अद्भुत वादे को हमें दिया है. Where we all will have, जहां पर हम सबके पास होगा our reward, हमारे पुरस्कार. God is waiting, परमेश्वर इंतजार कर रहा है. God's blessing be upon you. परमेश्वर का आशीष आप सबके ऊपर. You are given the Holy Spirit. आपको पवित्र आत्मा दिया गया है. He gives you the power. और वही आपको सामर्थ्य देता है. Share the gospel. सुसमाचार को प्रचार करें. Serve the Lord. परमेश्वर की सेवा करें. That serving will help you to hopefully look forward and wait for the appearance of your Savior and Lord Jesus Christ. और वो सेवा आपका सहायता करेगा कि आप आशा और धैर्य और इंतजार के संग अपने उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर का इंतजार करें. God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीष दे. Lord, we thank you for this message. परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं संदेश के लिए. These verses 9 and 10 of 1 Corinthians chapter 1 spoke to us. और धन्यवाद करते हैं पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 9 और 10वें वचन के लिए जिसने आज की सुबह हमसे बात की. And everyone who will listen to us. और हर एक वो जो इस वचन को सुनता है. Will experience a new energy by the Holy Spirit to share the gospel and wait patiently. वो एक नई शक्ति को महसूस करे कि वो परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार करने पाए. The Lord is coming. क्योंकि परमेश्वर आ रहा है. Let us wait for him. और आइए उसका इंतजार हम करें. आमेन. आमेन.